अब खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन आल स्कूल ऑनर एक्शन कमेटी ने आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की कॉल पर 1 जून से स्कूल खोलने का ऐलान की हमायत कर दी। इस बारे में मलकवाल में जिला भर के स्कूल ऑनर का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम स्कूलों की मुश्तरका कमेटी ने सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्जा ने ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि हम कोरोना के हवाले से SOPs बनाकर हुकूमत को दे चुके हैं। अभी तक महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से किसी किस्म का कोई रابطہ नहीं किया गया। इस मौका पर एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की गई, जिसमें सूबाई वजीर मुराद सईद की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स को माफिया कहने पर मजम्मत की गई और हुकूमत से इन स्कूलों की मदद की अपील की गई जो कोरोना की वजह से मुतासिर हैं। इजलास में तफसीलात बताते हुए अब्दुल रऊफ गोंदल ने हुकूमत की तवज्जो दिलाई कि स्कूल बंद करने से 15 लाख उस्तादा बेरोजगार हो जाएंगे। उम्मीद है कि हमारे फैसले के बाद हमें अदालत भी रिलीफ देगी। इजलास में मुकर्ररीन ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना की वबा फैलने के बाद मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके बाद तलीमी इदारों को भी बंद कर दिया गया था। ताहम इस हवाले से प्राइवेट स्कूल मालकान और हुकूमत के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन स्कूल खोलने के हवाले से किसी किस्म का हतमी फैसला नहीं किया गया। इससे कबल वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया था कि इस साल बोर्ड के इम्तहानात को मनसूख कर दिया गया है, जबकि साथ ही ऐलान कर दिया गया कि तमाम तालीमी इदारों को 15 जुलाई के बाद खोला जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने मुतालबा किया था कि तमाम स्कूल मालकान फीसों में 20% कमी करें ताकि वालदैन को भी रिलीफ दिया जा सके। ताहम इस फैसले को आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन और आल पाकिस्तान ऑनर एक्शन कमेटी ने मिलकर मुस्तरद कर दिया। अब फिर हुकूमती फैसले के मुखालिफ जाते हुए आल प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने 1 जून से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है।